अच्छा जी, तो हमारे पास हमने अभी क्या डिस्कस किया कि सेंसेस और सैंपल में क्या डिफरेंस है। सेंसेस मैंने आपको बता दिया कि जो सारे लोगों का डाटा वो हमारे पास सेंसेस आ जाएगा, और जो सैंपल होते हैं अगर हम उसमें से ही जो है वो थोड़ी सी अमाउंट जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास सैंपल आ जाता है। तो जो आपका पहला पेज अगर आपने बुक के ऊपर देखें तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि कम्प्लीट इन्यूमरेशन को हम सेंसेस कहते हैं। ठीक है, सेंसेस मतलब कि जब सारा डाटा आप लोगों का इकट्ठा कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेंसेस। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, दिस प्रोसेस ऑफ पार्शियल इन्यूमरेशन इज नोन एज सैंपल सर्वे। कि अगर आप पार्शियल इन्यूमरेशन कर रहे हैं या पार्शियल डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको आप सैंपल सर्वे कहेंगे, और अगर आप कंप्लीट इन्यूमरेशन कर रहे हैं या कंप्लीट लोगों का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको आप सेंसेस कहेंगे। ठीक है, तो ये दो टर्म्स थे, इन दोनों में डिफरेंस है सिर्फ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी अगर आप ये इनकी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज होंगे। आपको इसका मेन कंसेप्ट बताना चाहिए कि सेंसेस क्या चीज है और सैंपल का सर्वे जो सर्वे सर्वे हाँ सैंपल सर्वे है वो क्या चीज है। सेंसेस सर्वे और सैंपल सर्वे ये दो टर्म्स हैं, इसको आप एससी के तौर पर भी आ सकते हैं आपको कि सैंपल सर्वे क्या होता है, सेंसेस सर्वे क्या होता है। और आपको खाली इस तरह से भी आ जाता है कि सेंसेस की डेफिनेशन बताएं या सैंपल की डेफिनेशन बताएं। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हो गए। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट पेज है आपका, अगर आप वो निकालते हैं तो उसके अंदर देखिए आपके पास जो चीजें हैं उसमें इम्पोर्टेंट चीज है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, ये सारा कुछ उन्होंने ना इसको पैरामीटर बोला हुआ है। इसके पैरामीटर हमारे पास क्या है, एक इस तरह की वैल्यू जो कि हम डिफाइंड पॉपुलेशन से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास मीन आ जाता है, उसमें हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है, उसमें हमारे पास स्टैंडर्ड एरर आ जाता है। तो ये सारी चीजें जो हम कैलकुलेट करते हैं पॉपुलेशन से उसको हम कहते हैं पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। इसको आप अंडरलाइन कर लें, इसको आप हाईलाइट कर लें, जिस तरह से भी आपको मुनासिब लगता है। ठीक है, ये हमारे पास होगी पैरामीटर। अब वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टेटिस सैंपल। अब ये हमने पढ़ा कि अगर हम पॉपुलेशन से वैल्यू लेते हैं उसको हम पैरामीटर कहते हैं, अगर हम सैंपल से वैल्यू लेते हैं उसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिक कहेंगे। ठीक है, और स्टैटिस्टिक के अंदर हमारे पास रहता है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमने दो चीजें पढ़ी हैं, एक हमने पढ़ा है अगर हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन से उसको हम पैरामीटर कहते हैं, और अगर हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं किससे, अगर एक सैंपल से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं आपने ये भी करना है। उसके बाद जी कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखे हमें आइए, जस्ट इस तरह से आपने करने के, अगर इन केस शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आप अटेम्प्ट कर सकें कि मेन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं सैम्पलिंग के वो क्या होते हैं। ठीक है, तो आपने ये दो ऑब्जेक्टिव्स करने हैं सैम्पलिंग के, हाईलाइट करते हैं साथ साथ ताकि आपको बाद में मसला ना हो। अच्छा, अब हमारे पास टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग आ जाते हैं। टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग में ना आपने क्या करना है, आपने जो है यहाँ पे मैंने आई थिंक सो निकालेंगे आगे टेक्निक्स। टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग में ना पहले आपने ड्रॉ करनी है टेक्निक्स। ठीक है, यानी पहले आपने कोशिश करनी है कि इस तरह से करके ना एक वो बना लें कि इनके टाइप्स का ना एक टेबल ड्रॉ करें। ठीक है, जब आप टेबल ड्रॉ करेंगे उसके बाद आपने इस तरह से जो है ना वो मेंशन करना, जैसे ये देखिए इस तरह से करके आपने क्या करना है, ये सैम्पलिंग मेथड्स लिखे हुए हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसके अंदर जो सी चीजें आती हैं, इसके अंदर जो सी चीजें आती हैं, आपने इस तरह से करके एक फिगर टाइप ड्रॉ कर लेना। ठीक है, वैसे ये भी ठीक है, लेकिन ये है कि इस तरह से ज्यादा अच्छा लगता है तो आपने पहले इस तरह से करके एरोज बना लिए और उसके अंदर जो है वो आपने लिखते जाना। हमारे पास जो सबसे पहले आता है रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। अब आपने कहना है भाई इधर तो हमारे पास लिखा था प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इधर हमारे पास लिखा हुआ है रैंडम सैम्पलिंग, तो आपको मैं बताते चलूँ कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को भी हम रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसके आगे डैश डाल के लिख भी सकते हैं, रैंडम सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग इज नोन एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अच्छा जी, अब हमारे पास रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक में जो चीजें आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं। रैंडम सैम्पलिंग आ जाती है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ठीक है, इनके नाम जो है ना ये आपने चाहे आप रट्टा लगाएं, चाहे आप जिस तरह से भी याद करना चाहे, इनके नाम बहुत अच्छे से याद करने हैं। और ना सिर्फ इनके नाम याद करने हैं बल्कि आप लोगों ने इसका जो सेकेंड नेम होता है उसको भी याद करना है। ठीक है, जैसे इस बुक को ज्यादा मतलब कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को हम सेकेंड नाम कौन सा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर सिर्फ सैम्पलिंग है तो उसका दूसरा नाम कौन सा है, इसका दूसरा नाम जजमेंटल सैम्पलिंग है। ठीक है, कोटा सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और सिक्वेंशियल सैम्पलिंग हम साथ साथ डिस्कस करते हैं कि क्या क्या होती है। एक एक लाइन बस आपको पता नहीं चाहिए, इतना लंबा लंबा पैराग्राफ मैंने लिखे हुए हैं इसकी जरूरत नहीं है, जस्ट एक एक दो दो लाइन आपको अंडरलाइन करनी है आपने, उसी के साथ ही हमें चैप्टर जो है वो अपना खत्म करना है।
देखिए सबसे पहले आपके पास है रैंडम सैंपलिंग, ठीक है, इसका हमने दूसरा नाम पढ़ा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। डेफिनेशन तो आपने वही रटी टाइप कर ली, 3-4 लाइनें कर लेंगे, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए रैंडम सैंपलिंग होता क्या है। बेसिकली रैंडम सैंपलिंग, देखिए मैं कहती हूँ कि भाई हमारी क्लास जो है वो थर्ड ईयर है, ठीक है, मैं क्या करती हूँ थर्ड ईयर में से रैंडमली बच्चे सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता हूँ शरद कौन है, मुझे नहीं पता मरियम कौन है, मुझे नहीं पता भाई ये कौन है। जस्ट मैंने क्या किया, मैंने रैंडमली 3-4 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, कि मैंने इनमें से जो है इनसे क्वेश्चनिंग करनी है, या इनसे मैंने क्वेश्चनियर सॉल्व करवाना है, या इनसे मैंने भी कुछ भी करना है, ठीक है। तो मतलब कि रैंडम मेरी क्लास थी, मैंने अभी रैंडम क्लास में से 3-4 बच्चों को क्या किया, चूज कर लिया, ठीक है। तो वो हमारे पास इस तरह की जो सैम्पलिंग होती है, जिसमें से हम रैंडम सैंपल जो है वो ड्रॉ करते हैं, उसको कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। हर एक के पास इक्वल चांस था सिलेक्ट होने का, ठीक है। अगर हमारी क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं, तो मतलब 15 स्टूडेंट्स के पास इक्वल चांस है कि वो कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। लेकिन अब हमने रैंडमली कहा कि भाई रोल नंबर 2 आ जाए, रोल नंबर 5 आ जाए, रोल नंबर 6 आ जाए, हमें नहीं पता रोल नंबर 2 पे कौन है, रोल नंबर 6 पे कौन है, ठीक है। तो रैंडम सैम्पलिंग मतलब आपने बिल्कुल रैंडम जो है पिकअप किया, रैंडम जो है वो चीजों को चूज किया है, ठीक है। और सबसे पहले आपको एक बात बता चलूँ, एमसीक्यू बहुत बार रिपीट हुआ है कि सबसे बेस्ट सैम्पलिंग जो होती है वो कौन सी होती है, जिसमें बायसनेस के चांसेस कम होते हैं, जिसमें जो है वो बहुत अथेंटिसिटी होती है, तो वो आपके पास रैंडम सैम्पलिंग होती है, ठीक है। ये जो इसमें मोस्ट प्रोबेबल बहुत मतलब एमसीक्यू आया है कि जो सबसे बेस्ट सैम्पलिंग होती है वो कौन सी होती है, तो आपने रैंडम सैम्पलिंग पे टिक करना है हमेशा, क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग इज ऑलवेज द बेस्ट सैम्पलिंग, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग की आपको समझ आ गई, तो उसके बाद हमारे पास देखें जो नेक्स्ट आता है, उसमें हमारे पास आता है किसान। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो आता है ना, ये मैंने थोड़ी सा पेज को आई थिंक सो आगे पीछे कर दिया, 88 पेज नंबर के बाद हमने जो है वो पढ़ना था। 88 पेज पे मेंशन था कि इसके टाइप्स हैं पढ़े, आई थिंक सो दो तीन टाइप्स उन्होंने यहाँ पे मिस कर दी है। 87 के बाद, अच्छा रैंडम सैम्पलिंग के बाद ना हमारे पास आता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ठीक है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग जो है हमारे पास, कहने के मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग, ये आप अपनी बुक से जो है ना ये देख सकते हैं, मैं आपको वहां से जो है ना बता दूंगी। मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग आपको मिलेगा, उसमें लिखा होगा कि मतलब डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, उसके अंदर हम सैम्पलिंग प्रोसीजर को कैरी आउट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं एक ग्रुप के अंदर, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट स्टेज हो गई, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, वो जो फर्स्ट स्टेज होती है ना, फर्स्ट स्टेज में जो हमें लोग डिवाइड करते हैं, फिर हम उनको डिवाइड करते हैं उससे भी छोटे ग्रुप में, ये हमारे पास सेकेंड स्टेज हो जाती है, ठीक है। फिर हम सेकेंड स्टेज को डिवाइड करते हैं थर्ड स्टेज के अंदर, ठीक है, हम डिवाइड करते जाते हैं, यहाँ तक कि हमें अपने डिजायर्ड साइज जो हम चाहते हैं हमें वो नहीं मिल जाता, तब तक हम उसे क्या करते हैं डिवाइड करते रहते हैं। इसको हम कहते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ठीक है, जैसे मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। पहले आपने भाई 10 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए, 10 में से फिर 5 रखे, 5 में से फिर 3 रखे, 3 में से फिर 2 रखे, और 2 में से फाइनली आपने 1 सेलेक्ट किया जो आपका डिजायर था, तो आपके पास होती है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास थर्ड वाली है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या आता है, जब हम आपका जो एमसीक्यू आता है ना, इसमें से स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में से एमसीक्यू आता है कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हम कब करते हैं, तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हम तब करते हैं जब हमारे पास सैम्पल हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। हेट्रोजीनियस का मतलब ये है कि आपके पास सैम्पल जो है वो डिफरेंट तरह का है, यानी सेम सैम्पल नहीं है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई कोई किसी की एज इतनी है, किसी की एज इतनी है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा किस्म की वैरायटी पाई जाती है, तब आप लोग करते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इसकी आपने ना पहली लाइन है बिल्कुल अपनी बुक के ऊपर हाईलाइट कर लें, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज जनरली यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो अब हमने करने किस तरह से होती है, हम फिर इसको होमोजीनियस करते हैं, यानी हमने पॉपुलेशन को सबसे पहले डिवाइड करना है होमोजीनियस ग्रुप के अंदर, यानी हमने क्या करना है भाई, 10 साल के सारे बच्चे एक लाइन में, 3 साल के सारे बच्चे एक लाइन में, 4 साल के सारे बच्चे एक लाइन में, फीमेल सारी एक लाइन में, मेल का एक ग्रुप बना दिया। अब वो जो हम ग्रुप्स बनाते हैं ना, उनको हम कहते हैं स्ट्रेटास, ठीक है, उनको हम स्ट्रेटास कहते हैं, जो हम ग्रुप बनाते हैं, ये स्ट्रेटम से निकला है बेसिकली। तो अब जो जो ग्रुप बनाए होते हैं ना, उसमें से हम रैंडमली क्या करते हैं सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। सिर्फ आपने क्या करना है, एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग, एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंग, या क्लासेस के अकॉर्डिंग अपने ग्रुप्स बना दिए, ठीक है। फिर उस ग्रुप्स में, उन ग्रुप्स में से आपने क्या किया, रैंडमली लोगों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है।
लेकिन हेटरोजीनियस ग्रुप होगा उसमें से आप होमोजीनियस सैंपल निकालेंगे, होमोजीनियस में से आप बारी बारी सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग जो है वो आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट वाले जो रैंडम की टाइप है वो है सिस्टमेटिक सैंपलिंग। ठीक है, सिस्टमेटिक सैंपलिंग में देखिए इसको हम क्वाजी रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं। अब देखिए इसका मतलब ये है कि सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई भी चीज जो है वो एक सिस्टम के थ्रू चल रही है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, हमने सबसे पहले क्या करना होता है, अगर हमारे पास जो है फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 1500 लोग हैं, ठीक है, तो हमने कहना है कि भाई 1500 में से जो है ना वो हमने कोई इसके 20% सैंपल जो है ना वो हमने लेना है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 15 को टोटल पॉपुलेशन को हम डिवाइड करते हैं सैंपल साइज जितना हमें डिजायर्ड होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको छोड़ेंगे, बहुत मुश्किल एग्जाम्पल हमने दी हुई है, हम कहते हैं कि टोटल हमारे पास है 100 लोग। ठीक है, हमने इसमें से 20 लोग रखने हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि 100 टोटल है उसको डिवाइड करना है 20 के साथ। ठीक है, मतलब जितने आपको डिजायर्ड है वो आपके पास 100 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब जो 5 आया ना उसके दरमियान कोई सभी नंबर जो है ना वो आपने रैंडम सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, चाहे आप कार्ड डाल के सेलेक्ट करें, चाहे आप जो है ना वो लॉटरी मेथड होता है उसके साथ सेलेक्ट करें, तो 5 के अंदर कहते हैं कोई सभी नंबर आप रैंडम सेलेक्ट कर लें तो वो आपके पास जो है वो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के तौर पर आ जाता है। ठीक है, तो उसको आप कह देते हैं कि भाई ये हमारे पास जो है ना ये सिस्टमेटिक सैंपलिंग। तो कुछ लोग बोले ही कहते हैं इसकी मतलब कहते हैं कि हम इस तरह से करेंगे कि ये तो आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ ना जो मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन जैसे जैसे आप फॉरवर्ड मूव करेंगे ना बड़ी क्लासेस के अंदर तो वहाँ पे जो सिस्टमेटिक सैंपलिंग होती है ना उसका ये मेथड होता है कि आपने 100 को डिवाइड किया 20 के साथ, फिर आपके पास 5 आ गया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हर 5 वाला जो बच्चा होगा उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो ये आपके पास सिस्टमेटिक होती है कि आप सिस्टम के वाइज एक सीक्वेंस के वाइज जो है वो कहते हैं कि आप चल रहे हैं, लेकिन वो अब चूंकि हमारे पास सिक्वेंशियल जो है वो आ जाती है तो इस वजह से शायद इसको ना वो कुछ लोगों ने इशू क्रिएट किया कि ये मिक्स हो जाते हैं तो ये मैच हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो थे ना बायोस्टैटिशियन ने यही कहा था कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का ये मेथड होना चाहिए कि पहले आप पॉपुलेशन को डिवाइड करो जितना साइज आपको रिक्वायर्ड होता है, जैसे हमने डिवाइड किया 100 to 5 20 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास 5 आ गया। अब हमने हमने तो ये कहा ना कि हम हर 5th वाला जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ये सिस्टमेटिक है, लेकिन आपकी बुक के अंदर ये मेंशन है कि आपने 100 को डिवाइड करना 20 के साथ, 5 आएगा, तो आपने 5 से नीचे नीचे मतलब 1 और 5 के दरमियान कोई सा भी नंबर जो है वो आपने रैंडम सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर उस नंबर के अंदर जो है वो आपने अपनी मर्जी से एडिशन करके तो आपने सैंपल निकालते जाना है। ठीक है, तो ये बुक वालों ने लाइन लिखी हुई है, लेकिन ओरिजिनल मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल जो ऑथेंटिक बुक्स के अंदर मेंशन है वो यही होता है कि आपने हर 5वां नंबर सेलेक्ट करना है। पहले आपने 5 सेलेक्ट किया, फिर 10 सेलेक्ट किया, फिर 15वां, फिर 20वां, फिर 25वां, फिर 30वां, फिर 35वां, फिर 40वां, इस तरह से करके। ठीक है, तो ये अभी थोड़ा सा है इसके अंदर, जैसे ही एक कंफर्मेशन थोड़ी सी होती है तो ये भी आ जाएगा फर्दर, जैसे ही किसका ज्यादा मेथड यही है। अब हमने रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स को जो है वो फिनिश कर लिया, रैंडम सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, सर्टिफाइड सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को इसकी, मुझे पहले बताएं फिर हम नॉन रैंडम की तरफ मूव करेंगे। यस मैम, अच्छा, आप लोग इसको एक दफा रिवाइज करें, हम फिर 5 मिनट के अंदर जो है ना वो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, अपनी बुक से एक दफा इसको देखें फिर हम नॉन रैंडम स्टार्ट करते हैं।
चलो जी, हम स्टार्ट करते हैं अपने नॉन रैंडम सैम्पलिंग की तरफ। कोई मसला तो नहीं है, पढ़ ले अच्छे से। अच्छा, नॉन रैंडम सैम्पलिंग के अंदर सबसे पहले आपके पास आता है प्रोपोसिव सैम्पलिंग। प्रोपोसिव सैम्पलिंग का दूसरा नाम आता है जजमेंटल सैम्पलिंग। ठीक है, तो जजमेंटल सैम्पलिंग या प्रोपोसिव सैम्पलिंग हमारे पास कौन सी सैम्पलिंग होती है जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, प्रपोज। प्रोपोसिव सैम्पलिंग में का जो वर्ड है ना, वो आप देखेंगे तो वो प्रपोज से निकला हुआ है। ठीक है, प्रपोज करना। ठीक है, तो प्रपोसिव सैम्पलिंग को अगर आप एक्सप्लेन करें तो इसको हम जजमेंटल सैम्पलिंग कहते हैं, जिसको हम ना अपनी कह लो कि कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग ना चूज कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि हम कहते हैं कि भाई ये जो है ना, ये हमें ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, हम इसको चूज कर लेते हैं। इसका दूसरा नाम कन्वीनियंट सैम्पलिंग भी होता है। ठीक है, सो कहते हैं प्रपोसिव सैम्पलिंग। प्रपोसिव सैम्पलिंग क्या, आपको जब से पूछा जाए तो आपने क्या कहना है कि इसको हम, इसका दूसरा नाम कन्वीनियंट सैम्पलिंग है। इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी पर्सन है जिसको हमने सिलेक्ट करना है, उसको हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हमें थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इस वजह से कहा जाता है कि इसके अंदर थोड़ी सी बाइसनेस पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो नॉन बाइसनेस नहीं रहती, इसके अंदर बाइसनेस का एलिमेंट जो है वो पाया जाता है। यानी आप किसी की साइड ले रहे हो, जैसे आपने सैंपल अपनी मर्जी से सिलेक्ट किया है, तो ये थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो एलिमेंट आ जाता है। कोटा सैंपलिंग की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास कोटा सैंपलिंग भी क्या आता है, कोटा सैम्पलिंग में हमारे पास आता है कि हमने डिफरेंट क्राइटेरियाज रखे होते हैं। ठीक है, उनके अंदर जो जो है वो हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं। जैसे आप कह लें कि हमने डिफरेंट कोटास बनाए होते हैं। कोटास मतलब कि आपने डिफरेंट तरह के ग्रुप्स बनाए होंगे, आप ग्रुप्स भी कह सकते हैं उनको। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए होते हैं, हम उन ग्रुप्स में से जो है हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं। जैसे आपको पता है ना कि जब आप एमकैट वगैरह इस तरह की चीजें देते हैं ना, उसमें होता है कोटा सिस्टम। ठीक है, कोटा सिस्टम में क्या होता है कि डिफरेंट जो पंजाब से रहने वाले लोग हैं उनका अलहदा कोटा है, दूसरे लोगों का अलहदा कोटा है। ठीक है, उनमें सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, फिर उसमें से जो है वो बच्चों को सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह से ये आपने समझना है कि हर कोटे में से जो है वो हम लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे, वो हमारे पास कोटा सैम्पलिंग आ जाएगी। ठीक है, आगे हमारे पास क्लस्टर सैम्पलिंग आ जाती है। क्लस्टर सैम्पलिंग में अगर हम देखें, इसको हम ब्लॉक सैम्पलिंग भी कहते हैं। अब क्लस्टर सैम्पलिंग में भी ना, हम यूजली नेचुरल ग्रुप्स जो होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमने विलेजेस के ग्रुप्स बना लिए, वार्ड्स बना लिए, ब्लॉक्स बना लिए। ठीक है, इस तरह के हम क्लस्टर्स बना लेते हैं। क्लस्टर्स मतलब फिर जिसमें हमने सेम तरह की पॉपुलेशन जो होती है वो इकट्ठी की होती है। अब उन क्लस्टर्स में से जो है, यानी उस पॉपुलेशन में से जो है, वो हम क्या करते हैं कि जो उसको इवेल्युएट करते हैं, उसके बाद उसमें से लोग जो है वो रखते हैं, इसको हम कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। अब हमारे पास ना इसका एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आपने क्लस्टर सैम्पलिंग में से डाटा कलेक्ट करना है तो आप किस तरह के जो है वो सैम्पलिंग कर सकते हैं। देखिए, इसमें हमारे पास होता है, आप सिटीज का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग में, आप जो है वो डिफरेंट पॉपुलेशन को इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई रैंडम नंबर जो होते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें जो होती है ना, ये आप कर सकते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग में जो है वो कर सकते हैं। अब हमारे पास इन्होंने एक थोड़ा सा मेथड बताया हुआ है। ठीक है, ये मेथड जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लस्टर फॉर कलेक्टिंग डाटा, इसको जस्ट आपने रीड करना है। मतलब ये नहीं कि इसमें से आने के कोई चांसेस हैं, काफी लेंथी इन्होंने 3 4 5 स्टेप्स में बताया हुआ है। उन्होंने लिखा है कि आपने सबसे पहले सारे सिटीज के जो है वो लिस्ट करनी है। ठीक है, उनको लिस्ट डाउन करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके टाउन में जितने लोग रहते हैं आपने उनको लिस्ट डाउन कर लिया, या विलेजेस के जितने भी नाम थे वो आपने एक लिस्ट में लिख लिए। उसके बाद आपने क्या किया, कैलकुलेट दी क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन, जितनी टोटल पॉपुलेशन बनी उसको कैलकुलेट किया, उसको डिवाइड कर दिया बाय 30। ठीक है, दिस गिव दी सैम्पलिंग इंटरवल, या आपके पास 30 का सैम्पल इंटरवल है, 30 भी आपने अपने पास से सिलेक्ट किया। ये नहीं कि कोई इसका कोई रूल है या कोई फॉर्मूला जिसके थ्रू आपने 30 को सिलेक्ट किया। फिर आपने उसमें से एक रैंडम नंबर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, और उसके बाद रैंडम नंबर में से आपने 30 को ऐड करते जाना, प्लस करते जाना सैम्पलिंग इंटरवल को। ये आपके पास दूसरे क्लस्टर की पॉपुलेशन आ जाएगी। फिर आपने दूसरे क्लस्टर में 30 ऐड करना है, या आपके पास तीसरे क्लस्टर की वैल्यू आ जाएगी। तीसरे क्लस्टर में आपने फिर दोबारा से ऐड करते जाना है, इस तरह से करते जाएंगे और आपके पास जो है वो डिफरेंट वैल्यूज क्लस्टर्स की आती जाएंगी। ठीक है, तो ये उन्होंने क्लस्टर को कह लेंगे फाइंड आउट करने का एक थोड़ा सा मेथड बताया कि कोई सा भी रैंडम नंबर सेलेक्ट किया, उसको एक पहले क्लस्टर में ऐड करना है, दूसरा आ जाएगा, दूसरे क्लस्टर में ऐड करना है, तीसरे की वैल्यू आ जाएगी, तीसरे क्लस्टर में ऐड करना है, चौथे की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, प्रोपोसिव सैम्पलिंग जो हमने कन्वीनियंट सैम्पलिंग किया, अपनी मर्जी से किया जिसमें हमें थोड़ी सी कन्वीनियंसी थी।
कोटा सैम्पलिंग, जिसमें हमने कोटास बनाए हैं और उनके थ्रू जो है हमने सिलेक्शन की है। उसके बाद हमारे पास क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या हुआ, क्लस्टर सैम्पलिंग में हमने कहा हमने डिफरेंट क्लस्टर्स बनाने हैं, रैंडम नंबर सेलेक्ट करके ऐड करते जाना है, और उसके बाद हमने उसमें से जो है वो अपनी मर्जी का ग्रुप जो है वो चूज कर लेना है। ठीक है, ये हमारे पास क्लस्टर। और हमारे पास लास्ट वन आती है सिक्वेंशियल सैम्पलिंग। ठीक है, सिक्वेंशियल सैम्पलिंग में देखिए जैसे कि उन्होंने उसके नाम से जाहिर किया हुआ है कि एक सीक्वेंस से हम क्या करते हैं डाटा कलेक्ट करते हैं। पहले हमने एक जो है वो एक सैंपल सेलेक्ट किया, फिर हमने उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रीवियस सैंपल के अकॉर्डिंग हमने दूसरा जो है वो सैंपल कलेक्ट करना है। तो एक सीक्वेंस के थ्रू पहले फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ये हम कहते हैं इसको हम सिक्वेंशियल सैम्पलिंग। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक पायलट सर्वे है। पायलट सर्वे क्या होता है कि आप मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक छोटी सी पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट करती हो। ठीक है, उसको आप कहते हो पायलट सर्वे। पायलट सर्वे जो होता है वो बेसिकली क्यों किया जाता है, ये मतलब आ सकता है आपको ऐसे कि उसमें कि पायलट सर्वे होता क्या है और पायलट सर्वे हम क्यों करते हैं। पायलट सर्वे मैंने आपको बता दिया कि आप जो है कि आप 100 लोगों के ऊपर जो है वो, या 1,000 लोगों की पॉपुलेशन है हमारे पास, ठीक है, आपके पूरे विलेज में 1,000 पीपल है, आप चाहते हैं कि उनके ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो उन 1,000 के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से पहले आप क्या करोगे, पहले 100 के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लोगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पायलट सर्वे। और पायलट सर्वे जो होता है बेसिकली क्या करता है, ये डेफिशिएंसीज को रिवील करता है, यानी अगर कोई मसला है, सैम्पलिंग डिजाइन नहीं ठीक किया हमने, सेलेक्ट किया सैम्पलिंग फ्रेम नहीं ठीक, उसको जो डेफिशिएंसीज होती हैं उसको ये रिवील करता है। इसके अलावा ये हमें मेन सोर्सेज के बारे में बताता है कि हमने किस तरह से डाटा कलेक्ट करना है, किस तरह से हमने अपना क्वेश्चनियर बनाना है, ठीक है, किस तरह से हमने प्रॉब्लम्स को फेस करना है, और किस तरह से हमने जो है वो अपना सेटअप करना है जब हमें सर्वे करना है, जब भी हमने पॉपुलेशन सर्वे करना है, जब हमें सैंपल सर्वे करना है, या जब हमने जो है वो पॉपुलेशन के अंदर से जो है जितना भी डाटा कलेक्ट करना है उसके अंदर ही सारी चीजें। तो कहते हैं पायलट सर्वे क्या होता है, 5 इसके जो है वो आपको कह लो मेथड्स आने चाहिए, या किस तरह से यूजफुल हो सकता है, ये सारा कुछ आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो आपने जाके इस चैप्टर को जो है वो अच्छे से रीड आउट करना है। ठीक है, जो सैम्पलिंग टेक्निक्स वाला चैप्टर इम्पोर्टेंट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर भी हम स्टार्ट तो कर लें, लेकिन यह कि वो थोड़ा सा काफी लंबी है, तो इसको जो है ना नेक्स्ट टाइम ही करेंगे स्टार्ट, ताकि यूनिट जो है ना फिर कंप्लीट हो सके। आप लोगों की आज के असाइनमेंट क्या है, आपने क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने आपको डेफिनेशंस बताई हैं वो आपने देखना है, और इसके अलावा इस चैप्टर को अच्छे से जो है एक दफा रीडिंग लेनी है। ठीक है, और जो आर्ट टेक्निक्स हैं वो आपने अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, और अगर समझ आ गई है टेक्निक से तो मुझे बताएं फिर, और अगर इसमें से कोई कंफ्यूज नहीं ना तो फिर मुझे टेक्निक्स की समझ आ गई वैसे आपको। अच्छा, मुझे मुसरत बताएं कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है। बस डेफिनेशन के होती क्या है, मतलब इसमें हम क्या क्या करते हैं, बेसिक जो एक चीज होती है, एक वर्ड है इसका इम्पोर्टेंट, बस आपने वो बताना। अच्छा शमीम, आप बताएं कि सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या होती है, नहीं बल्कि परपसिव सैंपलिंग के बारे में बताएं। शादी में 5 मिनट लगा रहे हैं।
चलो ठीक है, फिर हम ये लेक्चर एंड करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 8 हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको किसी टॉपिक की या किसी टाइप की समझ नहीं आई तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है? मुसरत भी और शमीम भी। अगर नहीं आपको इस टॉपिक की समझ आई तो या किसी पॉइंट को मिस हो गया तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो मीटिंग एंड करती हूँ मैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर जो है स्टार्ट होगी। अल्लाह हाफिज़।